नमस्कार, मैं राजकुमार कोरी सर्वोच्च दर्पण हिंदी न्यूज में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए चलते हैं खबर की ओर। अमेठी में महिला से बार बार करता रहा बलात्कार, पीड़ित महिला ने लगाया कोतवाली अमेठी से न्याय की गुहार। खबर जनपद अमेठी के थाना कोतवाली के अंतर्गत आने वाली ग्राम सभा टिकरी का है। यहाँ के निवासी फूलकली पत्नी राम अवतार ने पूर्व प्रधान बृजलाल पुत्र रामदयाल पर गंभीर आरोप लगाया है। फूलकली का कहना है कि पूर्व प्रधान बृजलाल पुत्र रामदयाल हमें और हमारे परिवार को जान से मार देने की धमकी एवं डरा धमकाकर मेरे साथ लगातार अवैध शारीरिक संबंध बनाया है। विरोध करने पर गोली मार देने की धमकी देता है, जिसके कारण पीड़ित महिला हैरान व परेशान होकर अमेठी कोतवाली को लिखित प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। देखना यह है कि अमेठी कोतवाली द्वारा पीड़ित महिला को न्याय मिलता है कि नहीं। अमेठी से ब्यूरो राघवेंद्र पांडे की खास रिपोर्ट। आज आप थाने में आई हैं, क्या मामला है? आपके साथ बलात्कार हुआ है? हाँ। बलात्कार करने वाला आपके गांव का ही है? हाँ, आपके गांव के। आज आप थाना निवास में आए हैं अमेठी थाने में, तो क्या समस्या है आपकी? समस्या हमारी औरत के कई बार बलात्कार करे थे। कौन बलात्कार किया? बृजलाल। बृजलाल, आपने शिकायत नहीं दी थी यशो साहब को? यशो साहब पे शिकायत किया, अभी कुछ हुआ नहीं। अच्छा, क्या बोल रहे हैं वो? वो बोल रहे हैं कि आप जा रहे हैं, सिपाही भेज रहे हैं। तो आप कह रहे हैं बलात्कार हुआ, तो आपको इसकी जानकारी पहले नहीं थी? पहले नहीं जानकारी दी, अब पता लगी तो अब जानकारी दिया। हाँ, तो आपकी वाइफ ने आपको पहले नहीं बताया था? नहीं। क्यों? आप उनको मतलब कट्टा के धमकी दे रहे हैं, देर के मारा नहीं बताई। अच्छा, किरात बिरात तो मार दे, नहीं तो रे आदमी मार दे। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं बंद रहें जेल। अच्छा, उन्हें उनकी गुनाहों की सजा मिले। हाँ, नहीं तो बात रहे रात बिरात मार दे। कौन था वो, क्या नाम उसका बताया आपने? बृजलाल।